चुका है और आज एम्स रायबरेली भी, जिसमें गत वर्ष ही 100 छात्रों का एमबीबीएस में प्रवेश हुआ और आज रायबरेली पूर्णतः एम्स के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश और प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएगा। वास्तव में हर एक क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में 70 वर्षों में जितना हुआ वह उपलब्धि मात्र 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अर्जित किया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो डबल इंजन की सरकार के सामने उस समय स्वास्थ्य एक चुनौती थी। कहीं इंसेफ्लाइटिस था, कहीं मलेरिया था, कहीं पे कालाजार था, कहीं डेंगू के कहर बरपाए जाते थे, अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती थी, मेडिकल की सुविधाएं बहुत ही खराब थी। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, 1947 से 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिस राज्य में बन पाए थे, आज हम लोगों ने 45 जनपदों में पहले से ही मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें शासन और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर के 65 मेडिकल कॉलेज वहां पहले से चल रहे हैं। लेकिन साथ ही 14 अन्य मेडिकल कॉलेज वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और 16 जनपदों में केंद्र और राज्य शासन के साथ पीपीपी मोड पर हम लोग निजी क्षेत्र को भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो सकती है, आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा है, दूर दराज के क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा है और मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य विभाग की टीम दूर दराज के गांवों में जाकर के लाखों लोगों को प्रति सप्ताह निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिस प्रकार की सुविधाएं आयुष्मान भारत के अंदर प्राप्त हो रही हैं, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का यह कवर अत्यंत अभिनंदनीय है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। आज एम्स रायबरेली का उद्घाटन इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस अवसर खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम लेबोरेटरीज का भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। प्रदेश के प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के निवासियों को इन बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हृदय से अपनी शुभकामना देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार उनके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जमीनी धरातल पर मिशन के रूप में ले जाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से रायबरेली वासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं और उन्हें और यहां के जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पदाधिकारीगण एम्स रायबरेली के सभी यहां पे फैकल्टी मेंबर्स, यहां के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के सभी यहां के छात्र और उपस्थित बहनों और भाइयों, रायबरेली की जनता को मैं प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं कि आज आपकी दशकों पूर्व जो मांग थी उसके पूरा होने और एम्स रायबरेली के विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम आज सामने आया है। इसके लिए आप सबका हृदय से मैं आपको बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, जिनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में देश के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक नया भारत,
जिस भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी है, हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो इस बात की भी गारंटी है, जहां पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की क्षमता भी है और जहां पे हर युवा के हाथ को आजीविका के साथ जोड़ने और आम नागरिक की आस्था को सम्मान देने का भी सरकार के पास एक जज्बा है। ये नया भारत जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर नागरिक को तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उपाय सुझाता है, तो वहीं ये नया भारत आज बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से हर जनपद में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि एम्स रायबरेली के आज के इस लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से पहला अग्रणी राज्य है जिसमें दो दो एम्स होने जा रहे हैं, एक गोरखपुर में।